नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, वशीकरण के बहुत से उपाय लोग बताते हैं और वशीकरण के बारे में बहुत सी बातें की जाती है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वशीकरण का एक नेगेटिव इम्पैक्ट बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी शुरू होती है हमारे ही एक क्लाइंट से। उन्होंने हमारी दी हुई प्राचीन ग्रंथों को, हमारे द्वारा लिखी हुई वशीकरण मंत्रों को पढ़ के किस तरीके से अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में एक ऐसा मंत्र है, ऐसा शब्द मौजूद है जिसको आप किसी लड़की के नाम के आगे और पीछे अगर बोल देते हैं तो वह इंसान जिंदगी भर के लिए आपके वश में हो जाता है। ना इसमें किसी व्यक्ति की जरूरत होती है, ना किसी सामान की जरूरत होती है, लेकिन इंसान ने क्या किया, बिना कुछ सोचे समझे कम से कम भी ज्यादा नहीं तो 15 से 20 लड़कियों के ऊपर उसका प्रयोग कर दिया और आज वो उस वशीकरण से छुटकारा पाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। तो दोस्तों, आप ये गलती कदापि ना करें, किसी को भी ये मंत्र बांटने की कृपा ना करें और भूल के भी ये मंत्र लड़की के नाम के आगे और पीछे ना बोले, नहीं तो लड़की जिंदगी भर के लिए आपके वश में हो जाएगी और आपका पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको वो मंत्र बताने जा रहा हूँ। मैं उस मंत्र के आगे पीछे लड़की का नाम नहीं लूंगा, मैंने नाम के बदले में डैश लगा दिया। लड़की का नाम लगाने से आप सावधान रहें। कोई अगर आपको ज्योतिष पंडित, बाबा, तांत्रिक, मौलवी अगर आपको ये मंत्र दे तो भूल से भी इस मंत्र में लड़की का नाम ना लें। अधिक जानकारी के लिए पंडित जी से कांटेक्ट करें। हमें आपका कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज का इंतजार रहेगा। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को